बच्चों, आज हम एनर्जी मैनेजमेंट की प्रथम अध्याय के अंतिम चरण का ये वीडियो आपको प्रेषित कर रहे हैं। इसमें बिंदु संख्या 1.16 से लेके 1.20 तक लास्ट तक सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ये आप सिलेबस में भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से 1.16 यानी 1.16, 17, 18, 19 और 20, ये सभी बिंदु इसी क्रम में लिखे गए हैं। तो जो 1.16 है, एनर्जी मैनेजमेंट इन एंड यूज़र प्लांट यानी अंतिम उपभोक्ता प्लांट के अंदर एनर्जी मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा। तो एनर्जी मैनेजमेंट का या ऊर्जा संरक्षण का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि किसी भी प्लांट के अंदर बिजली के बिल को कम करने से उसकी उत्पादन की लागत कम हो सकती है और उसके साथ साथ उसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो इसमें इसके कुछ पहलू हैं, करीब 12 पहलू दिए गए हैं, तो इनको आप एक एक करके नोट कर लें। पहला, लीस्ट कॉस्ट यूटिलिटी प्लानिंग, यानी इस प्रकार से इसका नियोजन किया जाए कि कॉस्ट, जो बिजली की कॉस्ट है, वो न्यूनतम आए या ऊर्जा की लागत न्यूनतम आए। प्रमोशन ऑफ हाई इफ़िशेंसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाए जिसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा हो, हाई हो। एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो उसमें जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़ हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से हम पानी की बचत कर सकते हैं, किस तरीके से बिजली की बचत कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। उसी प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन इल्यूमिनेशन सेक्टर, इल्यूमिनेशन के अंदर हम लैंप्स वगैरह में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उसमें रिफ्लेक्टर किस तरीके से लगा सकते हैं, नो कैपेसिटी सेंसर्स इसमें लगाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इल्यूमिनेशन, ये सब चीज़ें। वैसे हम आगे भी एक पूरा चैप्टर एनर्जी कंजर्वेशन का उसके अंतर्गत भी पढ़ेंगे। तो ये इसमें ये बताया गया है कि इन सब चीज़ों का, अभी तो आप इनका नाम नोट कर लें, आगे जो एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर आएगा उसमें ये सभी चीज़ें डिटेल में ही पढ़ाएंगी। ऐसे ही एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन फैंस एंड रेफ्रिजरेशन, जो पंखे हैं उनमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो सकता है और रेफ्रिजरेशन जो यूनिट्स हैं उनके अंदर किस प्रकार से किया जा सकता है। उसी प्रकार से हीटिंग कूलिंग सिस्टम के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन किस प्रकार से हो सकता है, उसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस प्रकार से हो सकता है। ऐसे टैरिफ ऑप्शन फॉर DSM, यानी जो लोग एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं उनके लिए टैरिफ में क्या इंसेंटिव हो सकते हैं, या जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या पेनल्टीज हो सकती हैं, वो सब इसके अंदर आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कस्टमर एक्सेप्टेंस, यानी जो कस्टमर है वो भी इन चीज़ों को माने। जब वो अपने हृदय से इसको मानेगा तभी वो इसमें सुधार कर पाएगा, किसी कहने से सुधार नहीं होंगे। सुधार उसको खुद को जब महसूस होगा कि ऐसा करने से मेरे बिजली के बिल में बचत होगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरी कॉस्ट कम होगी, तभी इसमें सुधार हो पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन, जो भी इश्यूज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाना, उसके लिए नीतियाँ बनाना, रणनीति बनाना कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों को लागू करें। फिर DSM के साथ में एनवायरनमेंट भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो भी DSM में एनर्जी कंजर्वेशन होगा तो इससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी साथ के साथ होगा। हमारे पूरा चैप्टर है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एनर्जी का अगर हम यूज़ कम करें, एनर्जी कंजर्वेशन करें, तो एनवायरनमेंट किस प्रकार से प्रोटेक्ट रह सकता है। इसमें एक पॉइंट और है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, जो DSMs हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव किस प्रकार का है, और जिनका अच्छा अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस चीज़ को बाकी के लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया टॉपिक नंबर 3.16,
इसका नाम है एनर्जी मैनेजमेंट एंड यूज़र प्लांट, है ना, जो अंतिम छोर पे जो प्लांट लगा हुआ है उसके अंदर किस प्रकार से एनर्जी मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे टॉपिक नंबर 1.17, सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, यानी ऊर्जा प्रबंध के 7 सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप नोट कर लें। सभी ऊर्जा की जिन जिन को आवश्यकता है उन सभी को ऊर्जा के उपयोग की चीज़ें न्यूनतम दरों पे मिले। अगर उसको बिजली चाहिए तो बिजली न्यूनतम दरों पे, पेट्रोल डीजल सभी चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव, यानी उसको न्यूनतम दर में उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा है ऊर्जा उपयोग के लिए अधिकतम दक्षता का प्रबंध होना चाहिए, यानी उसकी इफ़िशेंसी अधिकतम होनी चाहिए। तीसरा, रिसाइकलिंग और रीयूज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जितनी ज़्यादा रिसाइकलिंग होगी, जितना ज़्यादा रीयूज़ होगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेशन होगा। एक्चुअली कंसेप्ट भी आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, अखबार में एड वगैरह भी आते हैं, रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज़। इन तीनों चीज़ों को एक साथ जब प्रयोग में लाते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी होता है। सबसे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, सबसे उपयुक्त जो तकनीक है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा की अधिकतम बचत हो सके। जो भी वर्ल्ड लेवल पे जो भी टेक्निक अवेलेबल है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हानियों को, लॉसेस को जितना ज़्यादा मिनिमाइज कर पाएंगे, कम से कम कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी इफ़िशेंसी बढ़ेगी और उतने ज़्यादा एनर्जी का कंजर्वेशन भी होगा, एनर्जी सेव भी होगी और हमारे बिल्स भी कम आएंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट पर उसका न्यूनतम प्रभाव पड़ना चाहिए। जो भी हम तकनीक प्रयोग करें, एनर्जी कंजर्वेशन इस प्रकार से करें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट के ऊपर उसका किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और सातवां बिंदु इसमें होता है, ये सेवन प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। और अगर आपके कोई इसमें दिक्कत आए तो आप जब क्लास हो तो उसके अंदर पूछ सकते हैं। सेवन पॉइंट है इसमें, आर्थिक विश्लेषण या जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक एनालिसिस जो हम करते हैं, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो कितने समय में रिकवर होगी, ये करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हम उपभोक्ताओं को विश्वास दिला पाएंगे कि आपकी कॉस्ट कम समय में या न्यूनतम समय में रिकवर हो जाएगी, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय करने से नहीं हिचकेंगे और वो सहर्ष इस के लिए आगे आएंगे। अदरवाइज़ अगर उनको ऐसा लगेगा कि हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और इसमें हमें कोई भी आर्थिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि हर सब चीज़ें कोई भी इंडस्ट्री चलती है तो आर्थिक उस पक्ष उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर उसको आर्थिक रूप से लाभ नहीं होगा तो वो इस चीज़ को कभी भी लागू नहीं करेगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होती है या आर्थिक विश्लेषण होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें आवश्यक होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। ये आपके 1.17 1.17 टॉपिक है, ये आप सिलेबस में देखिएगा। और कई बार ये एग्ज़ाम में ऐसे कैसे ही पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको इसको फिर से बता दूंगा एक दफ़े ये पूरा हो जाए। उसके बाद 1.18 है, एनर्जी पॉलिसी फॉर सप्लाई साइड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिमांड साइड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सप्लाई साइड के लिए और डिमांड साइड के लिए पॉलिसी किस प्रकार से होनी चाहिए, ये पॉइंट है 1.18 1.18। तो सबसे पहले तो कमिटमेंट होना चाहिए, जो टॉप मैनेजमेंट है उसका कमिटमेंट होना चाहिए कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना है। पॉलिसी इस तरह से हो कि कोई भी, चाहे सप्लाई साइड हो या डिमांड साइड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसका सबसे पहले कमिटमेंट होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट का, क्योंकि नीचे के स्तर पर प्रयास करने से कुछ नहीं होगा जब तक ऊपर के स्तर पर कमिटमेंट नहीं होगा उनको। अगर इस तरह का कमिटमेंट हो तो वचनबद्धता कि भाई हमें ये काम करना ही है, तभी ये काम हो पाएगा। दूसरा, थ्रस्ट होना चाहिए, थ्रस्ट मतलब विश्वास होना चाहिए। विश्वास किसका होना चाहिए, आम आदमी का विश्वास इसमें होना चाहिए
कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये काम पूरा हो पाएगा। फिर एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, उसका औचित्य होना चाहिए। हम कोई भी काम करें और उसका कोई अर्थ ही नहीं हो तो कोई भी करना उसका बेकार हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी बहुत सारी तरह के ऑर्डर्स निकालती रहती है, लेकिन अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, उसका औचित्य नहीं है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर उसका मतलब ये सब चीज़ें तो हो गई, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसकी क्रियान्वयन होना चाहिए। इसके लिए गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, और एक निश्चित टाइम फ्रेम में वो काम पूरे होने चाहिए, तभी हम एनर्जी कंजर्वेशन की ओर बढ़ पाएंगे। इस इनफैक्ट कुछ लोग डेडिकेटेडली इसी काम के लिए लगे होते हैं, जिनका काम ही इंडस्ट्री में सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन करने का होता है। तो उन लोगों का काम ही है कि हर स्तर पर जो एनर्जी सेव होने की जगह है वहाँ पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं, सबसे पहला फ़ायदा तो उस इंडस्ट्री को खुद को ही होगा जब उसके एनर्जी के बिल्स कम होंगे। तो ये मैंने आपको पांच पॉइंट बताए, चार पॉइंट बताए, पांचवा पॉइंट है इसका समय समय पर रिव्यू होना चाहिए कि हमारे क्या दिक्कत आ रही है, क्या हमने जो काम किया उसमें हम किस तरीके से करें कि और वो काम बेहतर हो सके। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे, ये है एनर्जी पॉलिसी किसी भी डिमांड साइड मैनेजमेंट की या सप्लाई साइड मैनेजमेंट की किस प्रकार से बनानी चाहिए। तो मोटे तौर पे मैंने आपको पांच पॉइंट बताए, कमिटमेंट, थ्रस्ट, एप्लीकेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू। ये पांच पॉइंट्स से हम एनर्जी पॉलिसी बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अब इसमें बिंदु है 1.19 एनर्जी पॉलिसी फॉर DSM। बहुत सारे बड़े बड़े DSM हैं, डिमांड साइड मैनेजमेंट जहाँ पर संभव है उनके अंदर एनर्जी पॉलिसी बनाई गई है। जैसे एल्युमिनियम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है, तो एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज जो भी हैं, बड़ी एल्युमिनियम की कंपनियाँ हैं, उन सब ने अपनी एनर्जी पॉलिसी बना रखी है। ऐसे ही फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइज़र में भी बहुत गैस के रूप में या बिजली के रूप में बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है, उसने भी अपनी एनर्जी पॉलिसी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब, इन्होंने अपनी एनर्जी पॉलिसीज बना रखी हैं। ऐसे ही स्टील इंडस्ट्री है, उसकी भी एनर्जी पॉलिसीज होती हैं, जो बड़ी स्टील कंपनियां हैं वो उसमें जिन, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इनमें, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, इन सभी कंपनियों ने अपनी एनर्जी पॉलिसी बना रखी है। ऐसे ही सीमेंट इंडस्ट्री है, रेलवेज़ है, पोर्ट ट्रस्ट हैं जो पानी के जहाज़ के जो बंदरगाह वगैरह होते हैं वो हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन में तो पेट्रोल डीजल सारा ट्रांसपोर्टेशन में ही लगभग सारा खर्च हो जाता है, पेट्रोल मतलब रोड ट्रांसपोर्ट भी शामिल हो गया इसमें, एयर ट्रांसपोर्ट भी शामिल हो गया, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। इसके बाद ये जनरेटिंग कंपनीज़ जो हैं, जो कंपनियाँ बिजली बना रही हैं उनकी भी एनर्जी पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा कोयले का कंजम्पशन, ज़्यादातर कोयला गैस इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। ऐसे ही ट्रांसमिशन कंपनियों की भी एनर्जी पॉलिसी होती है कि वो न्यूनतम लॉसेस के साथ किस प्रकार से एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करें। उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की किस प्रकार से वो अपने लॉसेस को कम करें, T&D लॉसेस कम से कम हो, और इसकी पॉलिसी बना के रखते हैं। ये सभी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये ज़्यादा जो बिजली या एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, इन सभी की एनर्जी पॉलिसी बनी हुई है जिससे कि वो अपनी एनर्जी को इस प्रकार से यूज़ कर पाएँ कि उसमें लॉसेस कम से कम हों, एफिशिएंसी उसकी अधिक से अधिक आए। अब हम लास्ट में जो 1.120 यानी 1.20 जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनर्जी मैनेजमेंट, यानी कौन कौन से संगठन हैं भारत के अंदर, अभी हम भारत की बात करेंगे, जो एनर्जी मैनेजमेंट का काम में मदद करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप नाम नोट करें, NPC, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये भारत सरकार का संस्थान है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करता है, और प्रोडक्टिविटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एनर्जी का कंजर्वेशन। दूसरा, आप ये संस्थान नहीं है, एक
टेक्निक है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके द्वारा भी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है। एनर्जी कंजर्वेशन इज पार्ट ऑफ क्वालिटी। बी एक संस्था है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये मतलब भारत सरकार की एक संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ही हिस्सा है, ये भी एनर्जी कंजर्वेशन की दिशा में काम करती है। ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो भारत सरकार का शक्ति मंत्रालय है, ये भी इस चीज़ में मदद करता है। MNRE जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो भारत सरकार का मंत्रालय है, ये भी एनर्जी कंजर्वेशन का काम करता है। ऐसी RREC जो राजस्थान के स्तर पर हर स्टेट में एक नोडल एजेंसी बनी हुई है, सामान्यतया जो रिन्यूएबल एनर्जी की संस्थाएं हैं उन्हीं को एनर्जी कंजर्वेशन का नोडल एजेंसी बना रखा है, तो राजस्थान में RREC है, तो ये भी एनर्जी कंजर्वेशन का काम करती है। ये हमने बिंदु 1.16 से लेके 1.20 तक आज अध्ययन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।